What is death? Death क्या है? मतलब हमने पहले ही इमेजिन किया हुआ है, अपना एक बिलीव बनाया हुआ है, डेथ मतलब ये, उसकी वजह से हम डर रहे हैं. हो सकता है वो झूठ हो. क्या उसको हम क्वेश्चन करते हैं कभी भी? नहीं करते. किसी ने अपना बिलीव बनाया हुआ है कि भूत है, तो वो इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि भूत है या नहीं है. वो या तो बोल देगा भूत नहीं है, नहीं वो कह रहे हैं मेरे जो बड़े हैं वो कहते हैं भूत वूत कुछ नहीं होते. तो आप क्या कहोगे? इमीडिएटली कहोगे नहीं नहीं भूत वूत कुछ नहीं होते. उधर से कोई आएगा, नहीं मैंने भूत को देखा है, मैं उस गांव में गया था, वहां पर एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई थी. अब आप कहोगे हाँ भूत होते हैं. अब आप कंफ्यूज हो. एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चिंता होती है, क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में चिंतन होता है. जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर ही तो चिंता है. ये या वो हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा. बट आपको क्लियर हो जाए कि हो या ना हो, दिस इज वॉट डेथ इज एंड आई एम ओके विद इट. मान लो अगर वहां तक आप पहुंच पाओ तो, समझ पाओ तो, मुझे वो बहुत मुश्किल नहीं है. बट ये इंक्वायरी करने का करेज हमारे अंदर होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन फॉर इट. तो यहां पर क्या काम आ सकता है? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग. देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर डेथ, देयर इज सॉल्यूशन फॉर अ डिजीज. बीमारी है तो आप उसका इलाज ढूंढ सकते हो. डेथ का क्या इलाज है? डेथ तो होनी ही होनी है. दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? डेथ. तो इसको अगर हम नहीं समझते तो हम डेथ से डरेंगे या नहीं डरेंगे? डरेंगे. लेकिन अगर डेथ हमको समझ आ गई एंड वी आर एब्सोल्युटली ओके विद इट, वी आर हैप्पी विद इट, वी आर एज हैप्पी विद डेथ एज विद लाइफ, तो क्या होगा? अब यहां पर चिंता की कोई गुंजाइश है? No, चिंता हो सकती है? No. हो ही नहीं सकती. इंपॉसिबल. दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में. एक वो जिसके आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, दूसरी वो जिसके सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते. अब डेथ का क्या सॉल्यूशन है? तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, और जहां पर सॉल्यूशन निकाल सकते हो वहां पर एक्शन काम आएगा. समझ आ गया ना? अब यहां पर एक्शन काम नहीं आने वाला. मौत में क्या एक्शन काम आएगा? ले लो जो मर्जी एक्शन ले लो, जिसने मरना है वो मरेगा. मतलब क्या एक्शन लोगे? जिसने मरना है वो तो घर में भी मर जाएगा, बाथरूम में नाते नाते हल्का सा पैर फिसला और हो गया जी काम. पता भी नहीं लगा रातों रात कौन बंदा कहां से कहां निकल गया. समझ गए? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. यहां पर अंडरस्टैंडिंग काम आ सकती है. अब ये इंक्वायरी कैसे करें? व्हाट इज डेथ? मौत क्या होती है? क्या मरता है? शरीर मरता है. वाह वाह. शरीर मरता है क्या? बॉडी मरती है क्या? बॉडी मरी क्या? बल्कि बॉडी नहीं मरती है. जब बंदा मर जाता है तो उसका नाम मर जाता है. अगर ये गया तो इसको लोग संदीप नहीं बोलेंगे, बॉडी बोलना शुरू कर देंगे इमीडिएटली. अरे बॉडी को वहां रखो, बॉडी को वहां, बॉडी को वहां, बॉडी. मतलब बॉडी नहीं मरी है. क्या मरा? हवा अंदर चल रही है, जो सांसें चल रही है वो चलनी बंद हो गई. तो क्या सांस मर गई? हवा मर गई? हवा चलनी बंद हो गई है क्या पूरी दुनिया में? हवा नहीं चल रही है क्या? क्या इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी मर सकता है? कोई भी बॉडी मर सकती है? ये ज्यादा हो रहा है. यहां चलना है नहीं चलना है? हिम्मत है? yes, करेज है? ठीक yes, है, करो, कोशिश करो. क्योंकि ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी, दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी. इसको चिंतन से यहां तक पहुंच सकते हो आप, और कोई तरीका नहीं है पहुंचने का. इसी को चिंतन बोलते हैं, जो अभी मैं कर रहा हूं आपके साथ साथ में, जो हम अभी कर रहे हैं ये चिंतन है. चिंता नहीं है यहां पर. यहां पर कोई चिंता हो रही है? डर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है. बॉडी को मारने का कोई तरीका नहीं है इस यूनिवर्स में. किसी भी चीज को मारने का कोई तरीका नहीं है. कुछ भी नहीं मर सकता है. मार के दिखा दो, छोटे से छोटा एटम, बड़े से बड़ा कुछ भी, सिर्फ फॉर्म बदलती है. बादल फट जाता है तो क्या बादल मर जाता है? लेकिन मर गया, बादल तो है ही नहीं, दिख नहीं रहा है बादल. सर वो रेन में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म. तो क्या बादल मरा या नहीं मरा? नहीं. तो क्या मरा? कुछ भी नहीं मरा. एक बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो गई, और फिर आपने 10 मिनट बाद आकर के देखा वहां पर बर्फ नहीं है, क्या लगेगा? अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो, चिंतन से नहीं देखोगे तो, चिंता से देखोगे अरे मेरी बर्फ मर गई. मैं प्यार से मैंने बर्फ बनाई थी. मान लो आपने एक खांचा बनाया था, उसके अंदर एक मुंह था, एक हाथ था, ऐसे था, मतलब बर्फ का पुतला था, है ना. और उस पुतले को आपने एक नाम दिया हुआ था कि सपोजिंगली कोई लड़का है, यहां कितने बैचलर्स हैं. तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक इमेजिनेशन बनाई कि हाँ ठीक है, मेरे को कोई लड़की तो मिलने वाली है नहीं, तो अब मैं क्या करता हूं, एक एक, एक बर्फ की लड़की बनाता. उसका एक नाम रख दिया और उसको बड़े प्यार से रोज फ्रिज में देख रहे जाकर के, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी. लेकिन गलती से एक दिन उसकी माँ ने उसको ट्रे को उठा करके बाहर रख दिया,
और फिर उसने फ्रिज में देखा, उसको वहां पे नहीं दिखी अपनी गर्लफ्रेंड, अपना प्यार उसको वहां पर नजर नहीं आया। फिर उसने बाहर देखा तो वहां पर भी उसको नजर नहीं आया, अब वो घबरा रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मर गई जिसको मैंने 5 साल से पाला है फ्रिज के अंदर, अब मैं किसको देखूंगा, अब मैं क्या करूंगा। वहां देखा तो वहां सिर्फ पानी है, बर्फ है ही नहीं, वो पुतला कहीं है ही नहीं, तो क्या वो मर गई, वो गर्लफ्रेंड मर गई, बर्फ की गर्लफ्रेंड मर गई, कहां है वो, पानी थी उसकी गर्लफ्रेंड बनने से पहले, वो पुतला बनने से पहले वो क्या थी, पानी थी। तो जब वो बर्फ बन गई तो क्या वो पैदा हो गई, क्या पैदा हो गई, उसको वो जो बर्फ की गर्लफ्रेंड थी उसको पैदा किसने किया, हमने मतलब किसने, उस बैचलर ने जो अकेला भटक रहा था उसी ने पैदा किया ना, मतलब कि वो जो पानी थी उस पानी को बर्फ की गर्लफ्रेंड कौन बोल रहा है, क्या बर्फ खुद बोल रही है, तो कौन बोल रहा है, वो बैचलर बोल रहा है, मतलब कि हम बोल रहे हैं, यानी कि मैं बोल रहा हूं, तो मैंने पैदा किया, कहां पैदा किया, अपनी ब्रेन में पैदा किया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, मैं चाहता तो उसी टाइम पे भी उसको देख करके बोल सकता था कि हाँ ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे फ्रिज में, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ये पानी है, समझ गए, ये बोलना कोई मुश्किल था क्या, लेकिन उसने क्या बोला, वही जैसे सब बोलते हैं, क्योंकि उसके दोस्त भी बेवकूफ थे, उन्होंने भी सबने अपने फ्रिज में अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बनाई हुई थी, सब अकेले थे, क्या करेंगे बेचारे। हाँ, कोई नया ट्रेंड चला, जैसे होता नहीं ट्रेंड चल जाता है, बकेट बाथ चल रहा है, ये चल रहा है, तो ऐसी है कि चल गया था आइस गर्लफ्रेंड्स, तो उसने भी अपनी तो आइस गर्लफ्रेंड्स का एक नया ट्रेंड चल गया था, तो उसके दोस्त भी बेवकूफ, वो भी बेवकूफ, सबने क्या कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये तेरी है, ये मेरी है, सबने कपड़े भी पहना दिए, उनके छोटे छोटे कपड़े सिलती है और ले लेकर के घूम रहे हैं और फटाफट से फ्रिज में रख रहे हैं, वापस से उसको बना रहे हैं, मिटा रहे हैं। लेकिन वहां पर कोई समझदार इंसान गया, उसने जाकर के देखा, भाई बर्फ है, पानी है, कुछ नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड है, और उन्हें तुम्हें नहीं पता है, 4 साल से मेरे साथ है, ये है, तुम्हारे लिए नहीं होगी, मेरे लिए तो है। तो ये लाइफ और डेथ कहाँ है, किसके माइंड में, आपके माइंड में, तो इसको सॉल्यूशन कौन निकाल सकता है, हमारा माइंड, समझ गए, कैसे निकलेगा ये सॉल्यूशन, आपको समझना पड़ेगा, जिसको आप लाइफ कह रहे हो वो क्या है, जिसको आप डेथ कह रहे हो वो क्या है। सो अभी आपने कहा था शरीर मरता है, अब आप कह रहे हो शरीर नहीं मरता है, बल्कि मरते ही शरीर पैदा हो जाता है, यानी कि जिसको लोगों ने बॉडी बोलना शुरू कर दिया जाते ही, तो बॉडी क्या बन गई, क्या बॉडी मर गई, उस बॉडी में जो भी कुछ काम का है वो खींच लिया गया, अगर तो खुले में डाल दिया तो जो जंगली जानवर हैं वो हैं वो बन गई, तो मैं क्या बन गया, अगर मैं अपने आप को बॉडी बोलता हूं तो मैं पंछी बन गया, कौवा बन गया, चील बन गया, क्यों नहीं बन, मतलब अगर मैं बॉडी हूं तो, अगर बॉडी तक ही रहे तो, अगर आप अभी अपने आप को जो भी सोचते हो जो भी करते हो सुबह से रात तक, वो बॉडी समझ करके ही करते हो, नाम किसका, बॉडी का, मेल कौन, बॉडी, फीमेल कौन, बॉडी, उसके आसपास में जो जुड़े हुए हैं वो सब क्या है, बॉडीज, तो अगर बॉडी के लेवल पे आप देखो तो कुछ नहीं मरा है, लाइफ बेटर हो गई है, ये कौवा बन के ज्यादा मस्ती करूंगा, यहाँ कौवा बन के उड़ो, ये हो मजे करो, तो मैं कहां मरा, मैं तो जिंदा हूं, अगर आदमी देख पाए वो तो जिंदा है, वो बर्फ कहां मरी, वो बर्फ की गर्लफ्रेंड कहां मरी, वो तो जिंदा है, पहले एक बर्फ में थी, पानी में, वो तो नहीं मरी, प्यार तो हमें उस स्टेट से था ना। हाँ, तो अब ये प्रॉब्लम किसकी है, आपने बिल्कुल सही बोला, प्यार हमें था उस बर्फ की फॉर्म से, तो अब अगर आपको उस बर्फ की फॉर्म से प्यार है तो क्या आप कभी भी बिना डर के जी सकते हो, और जब वो फॉर्म जिसने मिटना ही मिटना है, यानी कि बदलना ही बदलना है, जब वो बदलेगी तो क्या आप खुश रह सकते हो, अगर आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म से प्यार है, अगर आपको अपनी एक ऐसी फॉर्म से प्यार है, आपकी जो बॉडी है अभी जिस स्टेट में है उससे ही आपको प्यार है, तो जब आपका बुढ़ापा आ जाएगा, जब इस फॉर्म की धज्जियां उड़ जाएगी, तो सुखी रहोगे दुखी रहोगे, कितना दुखी रहोगे, जितना अपनी उस फॉर्म से प्यार था, यानी जवानी वाली अपनी जो फॉर्म थी उससे प्यार था, उतना ही बुढ़ापे वाली फॉर्म से दुखी रहोगे। लेकिन अगर चिंतन कर करके आप यहां तक पहुंच गए थे कि फॉर्म ने तो बदलना ही बदलना है, मरना नहीं है, जिसको आप मरना बोलते हो वो चेंज है, चेंज को आप मौत बोल रहे हो, कुछ बदला ही तो है, तो बॉडी के मरने का डर गया, प्रॉब्लम तो इमोशन है। हाँ, एक मिनट रुको, वो इमोशंस की जड़ क्या है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम ध्यान से समझना,
वो जो लड़का है बैचलर है, प्रॉब्लम उसके इमोशंस है उस बर्फ की गुड़िया से रिलेटेड, या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड? समझ आ रही है ना बात? जिसको आप इमोशंस कह रहे हो वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। जो रियल जो इमोशंस हैं, जिसको एक्चुअल में प्यार कहते हैं, वहां पर इन इमोशंस की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उस बंदे को ये समझ आ जाए जिसने भी वो बर्फ की गुड़िया बनाई है, मैं भी बर्फ का गुड्डा हूं, अब ये बर्फ का गुड्डा बर्फ की गुड़िया जो दोनों पिघल रही है और आकर के थोड़ी देर के लिए मिले, कौन किससे मिला, पानी पानी से मिला, कुछ देर के लिए मिला, ये नहीं आई ना बात समझ में, ज्यादा हो गया पिघल जाएगी तो मैं भी तो एक दिन पिघलूंगा कुछ। अरे पिघल ही रहे, एक दिन क्या पिघलूंगा, सब पिघल रहे हैं। अगर ध्यान से अपने आप को देखोगे तो पिघल रहे हो, पिघल रहे हो फिर बन रहे हो, फिर पिघल रहे हो फिर बन रहे हो, एनी हाउ। तो आप कहते हो कि भाई मैं मर गया, किस बेस पे मर गया, माइंड मर गया। व्हाट इज माइंड? ये चिंतन है, ये नहीं पता है माइंड क्या है। बातें कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल कैसे करना है। व्हाट इज माइंड? थॉट्स की इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं, हम अपने थॉट से कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट इज थॉट? व्हाट इज माइंड? जब ब्रेन काम करना बंद कर देती है तो क्या माइंड काम कर रहा होता है? तो क्या ब्रेन माइंड है? ब्रेन माइंड है तो बॉडी माइंड है, या माइंड बॉडी से अलग है? ब्रेन कंट्रोल्स आर एक्शंस। हाँ, ब्रेन कंट्रोल्स आर एक्शन, ब्रेन विच इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। व्हाट इज माइंड? इज ब्रेन माइंड? हमारे थॉट्स, हमारे थॉट्स माइंड है। थॉट्स क्या है? व्हाट इज थॉट? ये चिंतन है। ये नहीं कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मेरे अंदर थॉट्स ना आए। ये बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है। अगर यहां पे हम पहुंच पाए, जिसको आप माइंड कहते हो, क्या वो मेमोरी नहीं है जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, आपकी ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है, क्या वही माइंड नहीं है? अगर मैं पूरी मेमोरी आपके अंदर से निकाल दूं तो आप माइंड किसको कहोगे? क्या उसके बिना आप सोच पाओगे? कैन यू थिंक विदाउट मेमोरी? कैन यू स्पीक विदाउट मेमोरी? तो माइंड, जिसको आप माइंड कहते हो, वो क्या है? बंडल ऑफ मेमोरीज। तो क्या मेमोरी मर जाती है जब आप मरते हो, ये बॉडी मरती है? तो आप कह रहे हो नहीं मरती, या तो आप कहोगे नहीं मरती या कहोगे हाँ मरती है। कैसे? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर ध्यान से समझ पाओ ना कि चिंतन करते कैसे हैं। बिलीफ के बेस पे चिंता होती है और समझ करके एक्सपीरियंस के बेस पे चिंतन होता है। बिकॉज इफ यू से नो कि मेमोरीज नहीं मरती है, मैं पूछूंगा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप कहते हो मेमोरीज नहीं मरती हैं, क्योंकि मैंने उस बुक में पढ़ा है कि कर्म होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, उस कर्म के हिसाब से हमको अगली बॉडी मिल जाती है। ये सब क्या है? ये भी मेमोरी का ही हिस्सा है। तो ये आपको क्या करेगा? फंसा देगा। अब आप इंक्वायरी नहीं कर पाओगे, अब फंस गए। मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेमोरी मरती है या नहीं मरती? अब आपको कैसे पता लगेगा मेमोरी मरती है या नहीं मरती? किसी बुक से पता लगेगा? सोच सोच करके पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? आपको देखना होगा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। इस बॉडी से पहले आप क्या थे, उसकी मेमोरी है अभी आपके पास में? इसका मतलब क्या है? मरती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। मरना मतलब क्या? याद ना रहना, दैट इज मरना। कोई आदमी जो बचपन से देख नहीं सकता है, अगर कुछ भी कॉन्टिन्यूएशन होती किसी भी तरह की, तो जो देख नहीं सकता है उसको दिखने के सपने आते, क्योंकि वो मेमोरीज पड़ी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में? नहीं आई। जो बंदा बचपन से देख ही नहीं सकता है, एक तो है उसका बाद में एक्सीडेंट हुआ 20-25 साल की एज में, उसके बाद में वो नहीं देख सकता है, तो उसको सपने आएंगे, उसमें कुछ कुछ दिखेगा। जो बचपन से ही नहीं देख सकता है, मतलब उसकी आंखें ही नहीं है, उसको पूरी जिंदगी जो सपने आएंगे उसमें सुनाई देगा, कुछ फील होगा, सूंघने में आएगा, दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? कि अगर मेमोरी की कॉन्टिन्यूएशन होती, पहले कोई बॉडी होती, वहां से कोई कॉन्टिन्यूएशन होती, तो उसको एटलीस्ट सपने में, एक्चुअल में नहीं दिख सकता क्योंकि आंखें खराब हैं, तो आंखों के थ्रू नहीं दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट खराब है, लेकिन अंदर मेमोरी तो पड़ी हुई है, वो स्टोर्ड है, वो तो दिखता ब्रेन के अंदर, वो नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है? मेमोरी की कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं हो रही है। तो क्या मेमोरी अभी जिंदा है या मरी हुई है? अच्छा, जिंदा कैसे है? मेमोरी क्या होती है? प्रेजेंट मोमेंट की मेमोरी होती है या पास्ट की होती है?
तो जो भी आपकी मेमोरीज हैं, जो भी अंदर स्टोर्ड है, वो एक्चुअल में जिंदा है या एक्चुअल में मरी हुई है? एक्चुअल में मरी हुई है। आपके बचपन की मेमोरी है आपकी ब्रेन के अंदर, लेकिन एक्चुअल में बचपन कहाँ है? आंख खोल करके देखो, अभी बचपन बचपन नजर आ रहा है किसी भी एंगल से? अंकल आंटीज बात समझ आई? एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में मेमोरी जिंदा है या मुर्दा है? मुर्दा है। तो जो मुर्दा है उसके मरने का क्यों डर है आपको? वो जो मुर्दा है उसके मरने से क्यों डर लग रहा है आपको? वो तो मुर्दा ही है। अगर अभी भी आपके अंदर जितनी मेमोरीज पड़ी हुई हैं वो सब मर जाएं, लेकिन आपकी लाइफ बढ़िया चलती रहे, कोई दिक्कत है क्या? जिस मोमेंट पे फिर पूछते हैं उस मेमोरी के बारे में, उस मोमेंट पे वो जिंदा हो जाती है। हाँ हाँ, लेकिन हमको लगता है वो जिंदा हो गई है, एक्चुअल में जिंदा नहीं होती। अगर एक्चुअल में मैं रियलिटी की बात करूं, हमको लगता है कि वो जिंदा हो गई है। जैसे मूवी देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, लगता है कि सब कुछ हो रहा है वहां पे, लगता है कि एक्चुअल में शाहरुख खान है वहां पे, एक्चुअल में शाहरुख खान कहीं नहीं है स्क्रीन के ऊपर, जिसको देख रहे हो तो लाइट है। तो क्या मरा? बॉडी मरी या नहीं मरी? बॉडी नहीं मरी, समझे? मेमोरी मरी। तो ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा ही हुआ, इसमें बुराई क्या है? जो पहले ही मरा हुआ था, मतलब देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, सब जिंदा है, सब अच्छा चल रहा है। नहीं नहीं, अभी क्या क्या जिंदा है? तो फिर क्या रहा? अब आप क्या हो? क्या आप मेमोरी हो? क्या बॉडी हो? हाँ, अब आप कहोगे, या तो कोई कहेगा मैं आत्मा हूं, या कोई कहेगा मैं ये हूं, मैं वो। व्हाट इज आत्मा? समझे? अब ये हम चिंतन पे चले गए। चिंतन मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चिंतन का मतलब क्या? एक ऐसे लेवल पे पहुंचना जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं जा सकता है। आप खुद भी नहीं लगा सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं लगा सकती, तब आप कह सकते हो कि आपका चिंतन सही डायरेक्शन में जा रहा है। लगाओ इस पे क्वेश्चन मार्क, की बॉडी नहीं मरती। लगाओ किसी में दम है तो, पूरी दुनिया में कोई साइंटिस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो किसी भी एक छोटे से पार्टिकल को या बड़े से बड़े पार्टिकल को मार सके, उसकी फॉर्म को बदल सकती है। जला दो उसको, उसकी फॉर्म बदल जाएगी, पिघल जाएगी, वो चीज किसी और फॉर्म में चली जाएगी, फिर कुछ और बन जाएगी। पानी को उबाल दोगे तो ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, जैसी कंडीशंस चेंज होंगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस फॉर्म्स बदलती रहती है। इफ यू कैन आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्या मरता है, क्या नहीं मरता है, मैं मरता हूं या मैं नहीं मरता हूं, मैं कौन हूं, अगर ये क्वेश्चन घुस पाए अंदर तो, हु एम आई, दिस इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बस इससे ऊपर और कुछ नहीं। तो आप यहां पर आए हो तो मैं आपको बस ये कह सकता हूं, अगर ये क्वेश्चन सुन लिया है, इसको पकड़ करके रखो मरते दम तक, हु एम आई, ये आपके सारे सवालों का जवाब है।